देखिए, 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और 2 पैकेट हीरोइन के हमने सीज किए हैं और दोनों पैकेट पे खास तरह के चिन्ह थे जो इशारा करते हैं ये अफगान ग्रेड हीरोइन है और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टल का इसके साथ कोई ना कोई संबंध रहा है। हमें 19 तारीख को एक स्पेसिफिक इनपुट मिली, नरेश कुमार का नाम का एक युवक जो है अपनी स्कूटी में हीरोइन का कोई कंसाइनमेंट लेके खोड़ से अखनूर की तरफ जा रहा है। हमने नाके लगाए और जगह जगह पर जब सर्च हमने स्टार्ट कर दी उस स्कूटी को हम इंटरसेप्ट करने में कामयाब रहे। जब उसकी थारो सर्च की गई वहाँ से हमें एक पैकेट की रिकवरी हुई। उस पैकेट पर खास किस्म के जो निशान थे जो अफगान ग्रेड हीरोइन की तरफ इशारा कर रहे थे। हमने नरेश कुमार की जब सस्टेंड क्वेश्चनिंग की, इंटरोगेशन की, उसने कबूल किया कि और भी एक पैकेट है जिसका वो हमें रिकवरी करवा सकता है लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है। 2 दिन लगातार 19 से लेकर 21 तक बावजूद बारिशों के और काफ़ी पानी बॉर्डर के पास चढ़ा हुआ था, भारतीय सेना की मदद से हमने लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू रखा, जो कि आपकी मीडिया की नॉलेज में भी रहा होगा। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस चीज़ को प्री मैच्योरली एक्सपोज नहीं किया, हमें पूरा सहयोग किया कि हम दूसरा पैकेट भी आराम से रिकवर कर पाएँ और बाकी लोगों को गिरफ्तार कर पाएँ जो हमारा टारगेट थे। अल्टीमेटली नरेश कुमार ने 2 और लोगों का नाम लिया जिनको उस स्पेसिफिक जगह का पता था जहाँ पर ये छुपाया हुआ है। उन लोगों की गिरफ्तारी का नाम कमल है और दूसरे का नाम बलवीर है। बलवीर जो है एक्स सर्विसमैन है। तो सर, ये मार्केट में कितनी वैल्यू है सर हीरोइन जो आपने पकड़ी? हाँ, ये कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत, क्योंकि अफगान ग्रेड है, हाई ग्रेड हीरोइन इसको हम कहते हैं, इसकी कीमत 7 करोड़ पर केजी के हिसाब से कुल मिला के 14 करोड़ इसकी कीमत रही। और ये सब लोग सर जम्मू के हैं या बाहर के हैं? देखिए, 3 लोग जो हमने गिरफ्तार किए, 3 खोड़ एरिया के रहने वाले हैं। जो सप्लायर्स हैं वो पाकिस्तान के हैं, उनके डिटेल्स हमारे पास आए हैं। कोशिश करेंगे हम एक्स्ट्राडिशन करवा के किसी तरह से उनको डिपोर्ट करवाएं, इंटरपोल की मदद लेके, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी चाहे लेटर रिगोटरी, किसी तरह से भी हम लोग उनकी गिरफ्तारी भी इंश्योर करेंगे। जी सर, पहले भी इन्वॉल्व थे या पहली बार इन्होंने कंसाइनमेंट? देखिए, ये नरेश कुमार तो पहली बार, हमने इनका रिकॉर्ड अभी तक जो 2 दिन की जो हमने इन्वेस्टिगेशन की है, पहले इनका कोई पुराना केस नहीं है। फिर भी डिटेल्स में हम काफ़ी गहन अध्ययन जब इसका करेंगे, इन्वेस्टिगेशन, इनका पास्ट रिकॉर्ड भी चेक करने के, कुछ चीज़ें पुलिस के नोटिस में आती है, कुछ नहीं आती हैं, हम सारी के सारी चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर।